भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं सर्कल के अगले कॉन्सेप्ट पर, और ये कॉन्सेप्ट भी पुराने कॉन्सेप्ट की तरह बहुत ही मजेदार है। और ये कॉन्सेप्ट है अपना रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेडिकल एक्सिस, ठीक है। एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो समझिए रेडिकल एक्सिस क्या होती है। देखो मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट स्पेशली दो सर्कल के लिए होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास दो सर्कल हैं, यहां पर एक पॉइंट P है। अब जैसे मान लो अगर मैं इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो ये PT1 है, और इससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो ये PT2 है। अच्छा मान लो इसी से इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो ये PM1 है, और इसी से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो ये PM2 है। देखो पहली बात तो ये समझो कि PT1 और PM1 बराबर होगा, PT1 और PM1 बराबर होगा। क्यों? अरे भाई एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों बराबर होते हैं कि नहीं, बताया था कि नहीं मैंने आपको, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बताया था कि नहीं, बोलो याद है वो दिन, ठीक। अच्छा PT2 और PM2 भी बराबर होंगे, देखो ये क्या हो गया, बोलो PT2 और ये क्या हो गया PM2, यही बराबर होंगे। सेम कॉन्सेप्ट, क्या एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए। अच्छा अब देखो मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा अब देखो रेडिकल एक्सिस क्या कहता है कि अगर PM1 और PM2 बराबर हो जाए, अगर हो जाए तो, अभी नहीं है, PM1 और PM2 बराबर नहीं है, अभी नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। अगर PM1 और PM2 बराबर हो जाए तो P के लोकस को रेडिकल एक्सिस कहा जाएगा। इफ PM1 इक्वल टू PM2 देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, है ना। देखो PM1 की जगह हम PT1 भी लिख सकते हैं और PM2 की जगह हम PT2 भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब PM1 क्या है, P पॉइंट से ये मान लो 1 सर्कल है, ये मान लो 2 सर्कल है, तो P पॉइंट से पहले सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ, और PM2 क्या है, P पॉइंट से दूसरे सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ। मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे दोनों सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ बराबर हो, ऐसा भी कह सकते हैं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे कि दो अलग अलग सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ बराबर हो, तो उस पॉइंट के लोकस को क्या कहा जाएगा, रेडिकल एक्सिस। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा देखो जैसे कि ये पॉइंट मान लो कुछ इस प्रकार चलेगा, मतलब ये इसका लोकस निकल के आएगा, क्योंकि देखो P यहां पर आएगा तब भी ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर होंगे, P यहां पर आएगा तब भी ये टेंजेंट बराबर होंगे, तो P का लोकस एक स्ट्रेट लाइन कुछ निकलेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा हमको। अच्छा अब देखो इस P का लोकस निकालना कैसे जाए, जैसे लोकस निकालते हैं, जैसे कि मान लो पहला सर्कल है, इसे हम मान लें x2y2 2g1x 2f1y plus c1 बराबर 0। सेकेंड सर्कल को मान लें x2 plus y2 2g2x 2f2y plus c2 बराबर 0, है ना। ये मैंने दो अलग अलग सर्कल की इक्वेशन मान लिया, x2 plus y2 plus 2g1x plus 2f1y plus c1 बराबर 0, जैसे कि सर्कल मानते हैं। P पॉइंट को मान लिया मैंने HK, क्यों, क्योंकि P का लोकस चाहिए, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसको HK मानने की प्रथा चली आ रही है।
तो पी पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, एच के। अब देखो क्या होगा, समझो पी एम वन इक्वल टू पी एम टू होगा। पी एम वन का मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ जो होती है रूट एस वन। क्या होती है रूट एस वन, मतलब देखो अंडर रूट एक्स वाई की जगह पर ये पॉइंट रख दो, इसी को तो एस वन कहते हैं ना, एस वन। और ये पॉइंट क्या है, एच के। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी वन एच प्लस टू एफ वन के प्लस सी वन। और देखो पी एम टू, पी से इस पर टेंजेंट की लेंथ फिर वही रूट एस वन, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी टू एच प्लस टू एफ टू के प्लस सी टू। तो ये हो गया पी पॉइंट से इस पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ, और ये हो गया पी पॉइंट से इस पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ। दोनों टेंजेंट की लेंथ को हमने बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि तभी तो लोकस निकलेगा, कंडीशन ही यही है लोकस निकालने की, हम क्या करें। ठीक, अच्छा अब देखो इसको लिखो जरा, मिटाते हैं बेटा, इसको लिखो जरा ध्यान से। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा। देखो स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी वन एच प्लस टू एफ वन के प्लस सी वन इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी टू एच प्लस टू एफ टू के प्लस सी टू। एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एच एक तरफ लाके कॉमन लिया तो मिल गया जी वन माइनस जी टू, टू के एक तरफ लाके कॉमन लिया तो मिल गया एफ वन माइनस एफ टू प्लस सी वन माइनस सी टू बराबर जीरो हो गया, ये आ गया। देखो अब ये एच के में रिलेशन आ गया, अब हम एच के को एक्स वाई में चेंज कर देंगे, तो h की जगह लिख देंगे x और k की जगह लिख देंगे y, तो क्या हो जाएगा 2x g1 minus g2 plus 2y f1 minus f2 plus c1 minus c2 equal to 0 हो जाएगा। और इसी को हम कह सकते हैं s1 minus s2 बराबर 0। s1 मतलब, S1 मतलब पहला सर्कल, S2 मतलब दूसरा सर्कल। देखो पहले सर्कल में से दूसरा सर्कल माइनस करोगे तो यही आएगा, करके देखो पहला सर्कल ये है, दूसरे सर्कल में क्या था, यहाँ G2 यहाँ F2 यहाँ C2, तो फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करोगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, यही तो आएगा ना। तो एक्चुअली रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है क्या बोलो, पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल बराबर जीरो। क्या समझे, देखो इस केस में मैंने दोनों सर्कल को दूर दूर लिया, दूर दूर, समझे। मान लो अगर मैं दोनों सर्कल को टच करा दूं, अगर मैं दोनों सर्कल को टच करा दूं ऐसे टच, तो अब देखो जो रेडिकल एक्सिस होगा वो ऐसे होगा और उसका इक्वेशन फिर से यही होगा। तभी तो मैंने बताया था कि इस प्रकार की टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है S1 माइनस S2 बराबर जीरो, क्यों, क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस है। अगर दोनों सर्कल टच कर गए तो ये रेडिकल एक्सिस होगा, क्योंकि यहां से जब भी दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ध्यान। ठीक है, तो इसीलिए ये एक प्रकार की रेडिकल एक्सिस है, तभी इसका इक्वेशन होता है क्या, S1 माइनस S2 बराबर जीरो। अच्छा अब देखो अगर मान लो दोनों सर्कल एक दूसरे को काट गए ऐसे करके, तो अब देखो जो रेडिकल एक्सिस आएगा ना, समझो वो ऐसे आएगा, यहां तक आएगा, यहां नहीं होगा, फिर यहां होगा। अंदर क्यों नहीं होगा, अंदर क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जब पॉइंट अंदर पहुंच जाएगा ना तो वहां से तुम दो पर टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो यहां पर थे, आपने दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ किया लेंथ बराबर, लेकिन जब ये पॉइंट सर्कल के अंदर चला जाएगा तो तुम वहां से दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो लेकिन वो एक इमेजनरी लाइन होगी जो बाहर जाके फिर बन जाएगी। तो ये होगा हमारा रेडिकल एक्सिस, जिसका इक्वेशन फिर से यही होगा क्या, S1 - S2 = 0। अंदर रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आप टेंजेंट की लेंथ नहीं निकाल सकते अंदर जाके। लेकिन वो एक इमेजनरी लाइन होगी और उसका इक्वेशन भी यही होगा, समझे। जैसे क्या होता है, जब दो सर्कल एक दूसरे को काटें तो इसको कहते हैं कॉमन कॉर्ड। इस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड। और इसका इक्वेशन भी यही होता है, है ना, समझ लो इस बात को, क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस का हिस्सा है। हालांकि रेडिकल एक्सिस वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इस लाइन का इक्वेशन वही होगा जो इसका होगा या इसका होगा, क्योंकि वही लाइन चली आ रही। हालांकि इसको रेडिकल एक्सिस नहीं कहेंगे, लेकिन इक्वेशन वही होगा जो ये है। तो इसलिए अगर दो सर्कल एक दूसरे को कभी काटें तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, लेंथ नहीं, इक्वेशन अलग होता, लेंथ अलग होता है, याद रखना। तो इसका इक्वेशन ये होगा, लेंथ नहीं मैंने बोला, लेंथ बताऊंगा कैसे निकालेंगे अभी। इक्वेशन होगा कॉमन कॉर्ड का, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन कॉर्ड। ये होगा कॉमन कॉर्ड, समझो। तो इसीलिए देखो इससे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन भी आ गया, समझे। अच्छा मान लो अगर हमारे दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनल टच कर जाए, देखो इंटरनल टच ऐसे करके ये, तो अब देखो रेडिकल एक्सिस ये होगा ये, और इसीलिए इसका इक्वेशन भी फिर से यही होगा। बोलो बोलो, इसका इक्वेशन भी फिर से यही होगा। तो मैंने क्या बताया था कि इस वाले टेंजेंट का इक्वेशन भी यही होता है, S1 - S2 = 0। बात समझ गया कि नहीं। देखो कई लोग क्या करते हैं, रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन को ही चेंज कर दे रहे हैं आजकल कई किताबें या कोचिंग वाले। रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन में वो क्या करते हैं ना, टेंजेंट की लेंथ नहीं लेते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं और उसको पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं। मैं बता दूं, ये थोड़ा आजकल कई किताब वाले या कई कोचिंग वाले ऐसा कर रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस की, ऐसे मैंने बताया कि दोनों पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ बराबर हो, तो कई कोचिंग वाले क्या करते हैं उसके टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर को बराबर करते हैं, ठीक है, और उस टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर को पावर ऑफ पॉइंट भी कहते हैं। मैं बताऊंगा अभी, हालांकि पावर ऑफ पॉइंट जैसा कॉन्सेप्ट आईटी ने कभी आज तक पूछा नहीं है, और मेरी नज़रों में वो परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए। बहुत से कोचिंग में उनके पैकेज वगैरह में या जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आजकल, तो वो उसकी परिभाषा को बदल दे रहे हैं, मेरी नज़रों में ठीक नहीं है। अदरवाइज बदल दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, बदलने से क्या फ़ायदा होता है कि ये चीज़ डिफाइन हो जाती है, मतलब अंदर भी रेडिकल एक्सिस डिफाइन हो जाएगा, जो कि गलत है मेरी नज़रों में, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परिभाषा है वो यही है और यही सही है, ये मैंने आपको बताई है, समझ लो इस बात को अच्छे से, कि कोई कहीं और बताए तो ये मत समझना कि गलत हो गया, गलत नहीं, वो भी उनकी नज़रों में ठीक है। उसको पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं स्क्वायर को। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, अंडर रूट एस वन, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, अंडर रूट एस वन, वो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो मिल जाता है एस वन। एस वन को पावर ऑफ पॉइंट भी कहते हैं, मैं बताऊंगा अभी, समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये मैं बताऊंगा, परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो, बताऊंगा, मैं हूं ना हरिओम बाबा, बताऊंगा, परेशान नहीं हो, ठीक। तो ये मैंने बताया आपको, थोड़ा सा कई लोग चेंज कर देते हैं इसको, अच्छा ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मतलब S1 - S2 से देखो बहुत सी चीजें निकली, रेडिकल एक्सिस भी ये है, इस प्रकार की कॉमन टेंजेंट भी ये है, इस प्रकार की कॉमन कॉर्ड भी ये है। अब देखो रेडिकल एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखो, इंपॉर्टेंट होती है कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं तुमको बताता हूं, लिखो जरा इसको ध्यान से पहले। बड़ी देर भई नंदलाला
तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल इक इक से पूछे कहाँ है मुरली बाला। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, मान लो आपने दो सर्कल बनाए तो जो रेडिकल एक्सिस होती है ना वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होता है? रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, चाहे कोई भी केस हो, चाहे ऐसा केस हो चाहे ऐसा केस हो। देखो इसमें भी जो रेडिकल एक्सिस होगा वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, चाहे ये वाला केस हो, ये वाला केस हो, चाहे जो रेडिकल एक्सिस होगा वो इस लाइन के क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा। कोई भी केस हो जाए रेडिकल एक्सिस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। लिख लो इस बात को, ठीक है, डायग्राम बना लो और लिख लो इस बात को, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या होती है इसमें, कि जैसे मान लो ये दो सर्कल है और ये इनकी कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, तो जो रेडिकल एक्सिस होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जैसे ये T1 T2 है ना और ये पॉइंट P है, तो PT1 बराबर PT2 होगा, मतलब परपेंडिकुलर मैंने नहीं कहा, बाइसेक्ट मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसको दो बराबर भागों में काटेगा। पिछली प्रॉपर्टी में परपेंडिकुलर कहा था, बाइसेक्ट नहीं कहा था, ध्यान रखना। रेडिकल एक्सिस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट नहीं करता, यहां बाइसेक्ट करता है मतलब मिड पॉइंट से जाता है, परपेंडिकुलर नहीं होता। क्यों देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि मान लो ये पॉइंट है तो यहां से टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वहां से टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर। ये पॉइंट यहां आया तब भी टेंजेंट की लेंथ बराबर, जब ये पॉइंट यहां आएगा तब भी टेंजेंट की लेंथ बराबर, क्योंकि रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी ही यही है कि उस पर जो पॉइंट होता है उससे टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैंने लिया, अगर मैं ट्रांसवर्स ले लूं तो वहां पर भी यही चीज है। मान लो अगर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ले लूं तब भी यही होगा, जो हमारा रेडिकल एक्सिस होगा वो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहां पर भी PT1 बराबर PT2 होगा, इसमें भी यही चीज होगी। डायरेक्ट और ट्रांसवर्स दोनों प्रकार की कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस जो है वो हमेशा बाइसेक्ट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो इस बात को, ठीक है। अगला देखो, हो राम रामा, हो राम रामा। देखो अगली प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, कि मान लो दो सर्कल है, ठीक, और ये मान लो मैंने रेडिकल एक्सिस ले लिया इसका, ठीक। अब हम इस रेडिकल एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट, और इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाएं, अगर और ऐसा सर्कल बनाए कि इन दोनों को काटे, तो ध्यान रखना ये सर्कल इन दोनों को ऑर्थोगोनली काटेगा, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 90 होगा, इसके और इसके बीच का एंगल 90 होगा, मतलब दो सर्कल दिए गए हैं,
उनकी रेडिकल एक्सिस दी गई है। उस रेडिकल एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट, और उस पॉइंट को सेंटर मानकर आप एक सर्कल बनाएं और ऐसे बनाएं कि वो उन दोनों सर्कल को काटे। तो ऐसे केस में ये जो सर्कल होता है ना, ये इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली काटता है। मतलब ऑर्थोगोनली काटने का मतलब मैंने क्या बताया था कि एंगल कितना होता है 90 का। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है ना, ध्यान रखो। इसको ऐसे भी कहते हैं, मतलब देखो थोड़ा टफ भाषा में भी इसको मैं बोलूंगा कि ये ऐसा सर्कल है जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली काटता है, तो उसके सेंटर का लोकस इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस होता है। मतलब ऐसा सर्कल जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली काटे, उस सर्कल के सेंटर का जो लोकस होता है वो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक बात है। देखो चौथी प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चौथी, ध्यान दो क्या है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखो अगर हम तीन सर्कल ले लें, देखो तीन सर्कल लिए, तीन सर्कल, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ले ली मैंने, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ले ली मैंने, और इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ले ली मैंने, तो क्या हुआ, देखो तीन रेडिकल एक्सिस मिली, मान लो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड की रेडिकल एक्सिस, ये क्या है फर्स्ट थर्ड की रेडिकल एक्सिस, ये क्या है सेकेंड थर्ड की रेडिकल एक्सिस। तो तीन रेडिकल एक्सिस मुझे मिल गई, फर्स्ट सेकेंड की, फर्स्ट थर्ड की और सेकेंड थर्ड की। ठीक, बोलो ये क्या है फर्स्ट एंड थर्ड की, ये क्या है, ये क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड की, ये क्या है सेकेंड थर्ड। तो पहली बात तो ध्यान रखो, ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट पर काटेंगी, मतलब तीनों लाइंस कैसी होंगी, कंकरेंट लाइंस कहते हैं। मतलब थ्री रेडिकल एक्सिस, देखो एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस, आर कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास होंगी, है ना, पास थ्रू सेम पॉइंट। मतलब तीन सर्कल हैं, तीन में से दो दो को लेकर के तीन रेडिकल एक्सिस बनेंगी, तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट से पास होंगी। इस पॉइंट को जैसे कि मान लो इस पॉइंट को अगर मैं ओ कह दूं, तो इस पॉइंट को कहा जाता है रेडिकल सेंटर। किसका रेडिकल सेंटर, इन तीनों सर्कल्स का, ऑफ थ्री सर्कल्स, इन तीनों सर्कल का क्या बोला जाता है, इसको रेडिकल सेंटर बोला जाता है। जैसे कई बार ये सवाल आता है, तीन सर्कल देते हैं, कहते हैं रेडिकल सेंटर बताओ, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस निकाल लो, कैसे, एस वन माइनस एस टू बराबर जीरो, एक में से दूसरे को माइनस कर दो, एक लाइन आ जाएगी। इन दो की रेडिकल एक्सिस निकाल लो, कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दो, दूसरी लाइन आ जाएगी। दो लाइनें आ गई, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वही तो रेडिकल सेंटर है ना, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, मैं तीसरा क्यों लाए, दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो वो भी तो रेडिकल सेंटर ही है ना, है ना। तो इस तरीके से हम रेडिकल सेंटर को निकाल सकते हैं, इस लाइन को निकाल लो, इस लाइन को निकाल लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, रेडिकल सेंटर हो गया। ठीक, एक बात अब सुनो ध्यान से, इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाए, चौथा सर्कल जो इन तीनों को काटे, ये तीन सर्कल तो गिवन थे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कैसे थे, गिवन। अब ये चौथा हमने बनाया, क्या कैसे बनाया,
इसको माना हमने सेंटर और टेंजेंट की लेंथ को माना रेडियस। देखो ये जो ओ है ना, इससे तुम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो या इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो या इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तीनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होंगी। OT1 बराबर OT2 बराबर OT3। O क्या था? रेडिकल सेंटर। इससे तुम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो या इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो या इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये तीनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है। देखो जैसे ये पॉइंट इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पर है, तो रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इससे अगर तुम दो टेंजेंट निकालोगे तो दोनों की लेंथ बराबर। ये पॉइंट इस पर है, ये क्या है? ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस है। तो इस पर जब तुम कोई पॉइंट लोगे तो इससे ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होंगी? बराबर। क्योंकि रेडिकल एक्सिस की बेटा प्रॉपर्टी ही यही होती है कि रेडिकल एक्सिस पर जब तुम कोई पॉइंट लोगे तो उससे दोनों सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। और ये पॉइंट तीनों ही रेडिकल एक्सिस पर है, तो इसका मतलब ये इस पर है, इस पर का मतलब ये बराबर, ये इस पर भी है, इस पर का मतलब ये बराबर, और ये इस पर भी है, इस पर का मतलब ये और ये बराबर है ना, क्योंकि वो पॉइंट तीनों रेडिकल एक्सिस पर है, उससे तीनों सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो हमने क्या किया, इसी को मान लिया इस चौथे सर्कल का रेडियस, मतलब इसको सेंटर, ओ क्या है? रेडिकल सेंटर। उसको सेंटर लिया और टेंजेंट की लेंथ जो तीनों बराबर हैं उनको मान लिया रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया चौथा सर्कल। ये जो चौथा सर्कल आया है ना, चौथा सर्कल ये इन तीनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा, मतलब फोर्थ और थर्ड के बीच का एंगल 90 होगा, फोर्थ और सेकंड के बीच का एंगल भी 90 होगा, फोर्थ और फर्स्ट के बीच का एंगल भी 90 होगा। मतलब ये जो फोर्थ सर्कल है ना, फोर्थ सर्कल इंटरसेक्ट ऑल थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। चौथा सर्कल जो है वो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली काटेगा। चौथा सर्कल कैसे बना? इसको सेंटर लिया और टेंजेंट की लेंथ को रेडियस लिया। बस समझे? लिख लो इस बात को। चौथा सर्कल कैसे बना? ओ को लिया सेंटर और टेंजेंट की लेंथ को लिया रेडियस, जो कि बराबर है आपस में। देखो जैसे ये सवाल कई बार अक्सर पूछते हैं, तीन सर्कल दे देंगे और कहेंगे एक ऐसा सर्कल बताइए जो इन तीनों को ऑर्थोगोनली काटे। ये सवाल पूछेंगे, कहेंगे ऐसा सर्कल बताइए जो इन तीनों को ऑर्थोगोनली काटे, मतलब हमसे चौथे सर्कल की इक्वेशन पूछ रहे हैं वो। तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालने का तरीका मैंने बताया आपको कि दो की रेडिकल एक्सिस निकालो, दो की रेडिकल एक्सिस निकालो, उन रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ओ। तो सेंटर आ गया, सेंटर आ गया। अब आप किसी भी सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ निकाल लो, कैसे? अंडर रूट एस वन वाले मेथड से। इस पर किसी पर भी निकालो, सब बराबर है। किसी पर भी टेंजेंट की लेंथ निकाल लो अंडर रूट एस वन से, वो हो जाएगी रेडियस। तो अब आपको इस चौथे सर्कल का सेंटर मालूम है और इसकी रेडियस भी मालूम है, तो अगर आपको सेंटर और रेडियस मालूम है तो इस सर्कल का इक्वेशन निकल आएगा। बोलो भाई, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? सेंटर, रेडियस। सेंटर भी मालूम है कैसे? इंटरसेक्शन पॉइंट। और रेडियस भी मालूम है कैसे? टेंजेंट की लेंथ।
तो ये चौथा सर्कल हमें मिल जाएगा। कई बार सवाल पूछते हैं, तीन सर्कल देते हैं, कहते हैं ऐसा सर्कल बताइए जो इन तीनों को ऑर्थोगोनली काटे। तो चौथे सर्कल का इक्वेशन निकालने का तरीका आपने भी देखा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिमाग में बैठा लो इसको। सारी बातें जो मैंने बताई हैं लिख लो, फटाफट लिख लो, कैसे निकालना प्रोसेस दिमाग में रखो। प्रोसेस को दिमाग में रखना बेटा बहुत जरूरी है, अदरवाइज सवालों की संख्या यहाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं कर सकते। प्रोसेस 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 जो बताता हूँ दिमाग में रखो, लिखो कॉपी में, शॉर्ट में लिखो, हिंदी अंग्रेजी उर्दू है ना, डोगरी बंगाली नेपाली जिसमें चाहे उसमें लिखो, लिखो लेकिन ध्यान से लिखो, उसको लिखो, मेथड को लिखो, वरना अभी नहीं लिखोगे ना भूल जाओगे, भूल जाओगे फिर पछताओगे, सर लिखा नहीं मैंने, भूल गया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैं कहूँगा आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, तमाशा देखने आ गए, फिर से आ गए, एक टीचर पढ़ा रहा है, मस्त पढ़ा रहा है, परेशान होकर पढ़ा रहा है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, गड़ा फाड़ रहा है, आ गए। अरे ये नाना पाटेकर का डायलॉग था यार, टेंशन नहीं पालो, मैं हूँ, लिखो जल्दी से। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो लास्ट, इसी का रेडिकल सेंटर से संबंधित, समझ गए, लिखो जल्दी लिखो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा। देखो जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले लिया जाए, ट्रायंगल, ठीक, इस ट्रायंगल के तीन साइड हैं, इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल बना दिया है ना, इस साइड को डायमीटर मानकर एक सर्कल बना दिया, एसी को भी डायमीटर मानकर एक सर्कल बना दो, ऐसे बीसी को भी डायमीटर मानकर प्यारे बच्चों एक सर्कल बना दो, समझ गए, बीसी को भी डायमीटर मानकर एक सर्कल बना दो, तो ऐसे ये तीन सर्कल बन गए, एक सर्कल एबी को डायमीटर मानकर, एक एसी को डायमीटर मानकर, एक बीसी को डायमीटर मानकर, तीन सर्कल बन गए। अब तीन सर्कल बन गए तो तीन सर्कल का रेडिकल सेंटर होगा, तो इंटरेस्टिंग बात यह है इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा ना वो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। तो यहां पर जो रेडिकल सेंटर होगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कौन से तीन सर्कल हैं जो साइड को डायमीटर बना के खींचे गए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो इसको कि एक ट्रायंगल की तीन साइड्स को डायमीटर बनाकर, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स को डायमीटर मानकर अगर तीन सर्कल खींचे जाएंगे तो उन तीनों सर्कल का ऑर्थो सेंटर उस ट्रायंगल, उस तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, है ना। इफ थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग एज डायमीटर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन रेडिकल सेंटर इज ऑर्थो सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। मतलब याद नहीं करना, समझो समझो। देखो जैसे क्या होता बच्चों, क्या होता है देखो, जैसे मान लो समझो अगर दो सर्कल काटें तो उनकी रेडिकल एक्सिस ये होगी, होगी कि नहीं। तो देखो जैसे ये सर्कल है ना, काला और लाल दो सर्कल हैं, तो देखो इनकी रेडिकल एक्सिस ये होगी और इसकी रेडिकल एक्सिस ये होगी और इसकी रेडिकल एक्सिस ये होगी। तो देखो रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर ही तो हो गया ना, क्योंकि देखो ये ब्लैक सर्कल, देखो इस ब्लैक सर्कल में ये एसी डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया,
है ना, ये वाला देखो सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। इस रेड सर्कल को देखो, इस रेड सर्कल को देखो, बोलो इसमें BC क्या है, डायमीटर है, तो BC अगर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ, और इस सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने का हो गया, 90 का। इसी प्रकार इस ग्रीन सर्कल को देखो, इसमें AB क्या है, डायमीटर है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल हो गया, जब ये सेमी सर्कल हो गया तो बना हुआ एंगल कितने का हो गया, बोलो 90 का। तो इसलिए देखो ये तीनों एंगल 90-90 के हो गए, है ना। देखो ग्रीन में ये हमारा सेमी सर्कल है तो ये एंगल 90 का हो गया, ब्लैक के लिए देखो ये सेमी सर्कल हो गया तो ये वाला एंगल 90 का हो गया, रेड के लिए देखो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया तो ये वाला एंगल 90 का हो गया। क्योंकि अगर तीन सर्कल काटते हैं, जैसे कि दो सर्कल काटेंगे तो रेडिकल एक्सिस ये होगी, ये उनकी कॉमन कॉर्ड, अगर दो सर्कल काटेंगे तो रेडिकल एक्सिस क्या होगी, उनकी कॉमन कॉर्ड होगी। तो इसी प्रकार देखो, जैसे ये ब्लैक और ग्रीन सर्कल है तो इसकी कॉमन कॉर्ड देखो ये है, ये ब्लैक और ये रेड सर्कल है तो इनकी कॉमन कॉर्ड ये है, ये रेड और ग्रीन सर्कल है तो इनकी कॉमन कॉर्ड देखो ये है। बस समझे, बोलो समझे कि नहीं। देखो जैसे फिर समझाते हैं, समझो फिर बताते हैं, देखो नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा टफ है ये डायग्राम, थोड़ा टफ है, समझो। देखो ये था ना ऐसे, समझो ये ए बी सी है ना, समझो। तो मैंने मान लो ये सर्कल बनाया ऐसे, समझो ये बनाया, तो अब ये ए बी डायमीटर है, बोलो है ना, तो ये वाला एंगल 90 का होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल का एंगल है, ए बी डायमीटर है, ठीक। अब देखो मैं बनाता हूं BC को डायमीटर मान के सर्कल, तो देखो ऐसे बनेगा, ऐसे ये जाएगा, ऐसे ये ऐसे जाएगा, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे गया, देखो ये ऐसे। अब सोचो, सोचो ये BC को डायमीटर मान के सर्कल बना है ना, बोलो तो क्या होगा, समझो बात को, इसको इससे मिला देंगे तो अब देखो ये एंगल सेमी सर्कल में है तो ये एंगल 90 होगा। देखो ये एंगल 90 मतलब ये अल्टीट्यूड हो गया, ये एंगल 90 ये भी अल्टीट्यूड हो गया। और देखो ये जो लाइन आपको दिख रही ना बेटा, ये लाल वाले सर्कल और हरे वाले सर्कल का कॉमन कॉर्ड भी है तो ये इन दोनों का रेडिकल एक्सिस है, क्योंकि हरा सर्कल और लाल सर्कल इन दोनों का देखो ये कॉमन कॉर्ड है तो ये इनका रेडिकल एक्सिस भी है। और ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 क्योंकि ये भी एटीट्यूड है, एंगल 90 ये भी, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर ही तो हो गया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी प्रकार अगर मान लो मैं तीसरा सर्कल यहां बना दूं, किसको देखो, एसी को डायमीटर लेकर के, तो वो ऐसे जाएगा कुछ ऐसे करके, ये ऐसे 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 कुछ ऐसे जाएगा, ये देखो ऐसे। तो अब देखो ये जो ये एसी चूंकि डायमीटर है तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी एंगल 90 का होगा, देखो ये वाला एंगल ये भी एंगल 90 का होगा। और ये लाइन भी देखो कॉमन कॉर्ड हो गई किस किस की, काले सर्कल और हरे सर्कल की, तो ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस हो गई। देखो ये लाइन, ये वाली लाइन लाल और हरी लाइन, लाल और हरे सर्कल का कॉमन कॉर्ड है मतलब रेडिकल एक्सिस, ठीक है। देखो ये वाली लाइन काले और हरे सर्कल का कॉमन कॉर्ड है मतलब काले और हरे का रेडिकल एक्सिस, ये वाली लाइन देखो लाल सर्कल और काले सर्कल का कॉमन कॉर्ड है मतलब इन तीनों का रेडिकल एक्सिस, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस, है ना। ये लाइन देखो जिसमें लाल हरे दोनों रंग है,
ये लाल सर्कल हरे सर्कल का कॉमन कॉर्ड है, मतलब उनका रेडिकल एक्सिस। ये लाइन देखो, लाल और काले दोनों रंग है, ये लाल रंग और काले रंग वाले सर्कल का कॉमन कॉर्ड है, मतलब उनका रेडिकल एक्सिस। ये वाली लाइन देखो, इसमें काले हरे दोनों रंग है, ये काले सर्कल हरे सर्कल का कॉमन कॉर्ड है, मतलब उनका रेडिकल एक्सिस। और ये तीनों क्या है, ये तीनों अल्टीट्यूड्स हैं, और इसीलिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, और यही रेडिकल सेंटर भी है, क्योंकि ये तीनों रेडिकल एक्सिस का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, रेडिकल सेंटर। और चूंकि ये अल्टीट्यूड भी है, इसलिए क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, अब तुम पूरा समझ गए होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर से संबंधित चार कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, और चारों बड़े मस्त मस्त कॉन्सेप्ट थे। इनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, एक बार वीडियो नहीं कोई दिक्कत हो दोबारा फिर उस वीडियो को देखो, यही तो बात अच्छी है बेटा यूट्यूब में, आप दोबारा तिबारा 20 बार वीडियो को सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और हर बात समझ में आएगी, मैं कसम से बता रहा हूं। ना ना ना, अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट फिर अगले वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।